हेलो भाइयों, मेरा नाम है इंगदेशवाल। भाई अभी आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ना यार, ये है भाई गैंगस्टर कार। क्यों बोल रहा हूँ यार, ब्लैक कलर के अंदर, वो भी महिंद्रा थार, वो भी 4x4 के अंदर। वैसे आपको मैं एक बात बता दूँ, वैसे भाई अब ये 4x2 के अंदर भी आ गई है, जिसका अंदर आपको इंजन भी छोटा कर दिया और एवरेज बढ़ा दी गई है। जिसको खाली थार शो ऑफ की बाजी के लिए लेनी हो तो भाई वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ये है इसका 4x4 वेरियंट, फुल ऑफ रोडिंग कार है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको इसके अंदर, अच्छी खासी लुक के साथ। और भाई आप तो कहीं भी ले जाओ, कहीं भी आपको ये नीचे नहीं दिखाएगी। हर बंदा ये बोलता है, देखते ही भाई साहब थार है, ठीक है, क्योंकि ये सबके दिल पे राज करती है गाड़ी। उसके बाद जो इसका पहला जो मॉडल आता था ना, वो इतना कुछ मतलब उस टाइम भी ये बहुत पॉपुलर थी गाड़ी। लेकिन अब जो महिंद्रा थार है ना भाई, इसके अंदर फीचर्स और हर एक चीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है। गाड़ी कितनी ज़्यादा चौड़ी लगती है यार देखने में, ये देखो यार, क्या ही लुक आता है गाड़ी का फ्रंट से। लोगो वगैरह का तो ऐसे यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको महिंद्रा का इस तरीके से क्रोम के अंदर ब्रॉड में आपको लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्रिल वगैरह कुछ इस टाइप से आपके देखने में आएंगी, जिसमें आपका हनी क्रोम टाइप की आपको ग्रिल मिल जाएगी। ये चीज़ देखने में यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर रेडिएटर दे रखा है। बात करोगे इसके हेडलाइट यूनिट से, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन के बल्ब के अंदर आपको हेडलाइट यूनिट जो है आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट बम्पर जो है वो ऑल ब्लैक थीम के अंदर जो है वो दे रखा है आपका। यहाँ पे आपको थार की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बम्पर चेंज कर दिया, पहला वाला बम्पर जो है वो डोल टोन में आता था, जो कि बीच में वो गन मेटल फिनिश यहाँ पे आपको दे रखी थी। देन यहाँ पे आपको दे रखी है आपकी DRL विद आपका टर्न इंडिकेटर। फ्रंट बम्पर के अंदर ही आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन बल्ब, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने में आ जाएंगे। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइलिंग के अंदर, तो ये है इसकी साइड लुक, इस तरीके से देखने में आएगी। क्या ही गजब लगती है ना गाड़ी, इस तरीके से आपको देखने में आएगी साइड लुक। यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर थार की ब्रॉड सी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग जो है वो दे रखी है साइड में। यहाँ पे आपको साइड में फेंटर के ऊपर टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कार के अंदर सीएट का टायर जो है वो आता है, ऑल टेरेन टायर। इसकी अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर आते हैं 225x65 R18 इंच के सिंगल टोन मतलब गन मेटल फिनिश के अंदर एलॉय व्हील्स। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क मिल जाएंगे, देन रियर के अंदर आपको इसके अंदर ड्रम डिस्क जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साइड फुट रेस्ट। वैसे आज इस कार की जो है वो डिलीवरी है, और ये पेट्रोल वेरिएंट है इसका, ठीक है, 4x4 के अंदर। वैसे ये इसका मैनुअल वेरिएंट है, आप चाहो तो इसको ऑटोमेटिक के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। ओवरियम्स की बात करोगे तो ये आपकी मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड, और ये पूरे ओवरियम्स जो है वो आपको ब्लैकआउट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको थार की ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है। डोर ओपनर वगैरह जो है ये भी आपको मैटलॉक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको कर रखी है आपकी 4x4 की ब्रांडिंग इस तरीके से, ठीक है। आते हैं इसके रियर सेक्शन के अंदर, ये है इसका रियर सेक्शन। आगे से देख लो, पीछे से देख लो, साइड से देख लो, कितनी ही चौड़ी, कितनी ही बड़ी बड़ी लगती है ना, मस्त लगती है यार गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी आपको आपका रियर का स्पेयर व्हील जो है वो लगा रखा है। ऑल टेरेन टायर है, सेम साइज के अंदर है, और अलॉय आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो भी साथ में देखने को आ जाता है। रियर बम्पर की बात करोगे, 2 सेंसर मिल जाएंगे विद आपका रिफ्लेक्टर जो है वो आपके लगा रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। रियर टेल लाइट से बात करोगे तो LED स्टॉप लाइट्स वो आपको देखने को मिल जाएंगी। थार की ब्रांडिंग कर रखी है, रिवर्स पार्किंग लाइट है। बाकी इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रियर पे डिफॉगर, यहाँ पे आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप, पर वॉशर का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओपन करते हैं इसका रियर बूट, ठीक है। ये देखो भाई, इस तरीके से आपका बूट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और रियर विंडशील्ड जो है ना, ये आपका हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ ओपन इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप है। बूट के अंदर तो ये नॉर्मल स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप चाहो अगर आपको स्पेस और बढ़ाना है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको दे रखी है इस तरीके से। आप इस तरीके से अपनी सीट जो है वो आप अपनी फोल्ड कर सकते हो और अपना स्पेस जो है गाड़ी का बढ़ा सकते हो, ठीक है। रियर के अंदर भी आपको ग्रैब हैंडल जो है वो दे रखे हैं। ये क्यों दे रखे हैं भाई, तब आप ऑफ रोडिंग करोगे ना। कीज की बात कर लोगे तो भाई, एक आपको इसके अंदर रिमोट की मिल जाएगी, एक आपको नॉर्मल की मिल जाएगी, दोनों की दोनों फ्लिप की हैं, ठीक है। लेकिन एक ही रिमोट दे रखा है यार, दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, प्लेन है बिल्कुल। अच्छा, बात करोगे इसके पेट्रोल के अंदर प्राइसिंग की, 14,28,000 रुपये आपको इसका एक्सोरूम पड़ता है, ठीक है। अरे ऑन रोड भी बताऊँगा, तसल्ली तो मारो एक बार। नहीं करता हूँ मैं, ड्राइवर साइड डोर ओपन। यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको डोर ओपनर दे रखा है, लॉक और अनलॉक। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ओवरियंस मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल, थार की इस तरीके से ब्रांडिंग कर रखी है। देख रहे हो डिटेल कितनी है, हर जगह थार, बंदे के दिमाग से उतरनी चाहिए थार, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, कुछ स्पेसिंग। ड्राइवर साइड सीट्स की बात करोगे, 6-way एडजस्ट मैनुअली ड्राइविंग सीट आपको देखने को मिलेंगी। दोनों फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। स्पीकर विद आपका स्पीकर ग्रिल लगा रखे दोनों ही तरफ। ऊपर में भी आपको 2 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। टोटल में कार के अंदर 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर का आपको ऑप्शन दे रखे हैं। और यह इसका मैनुअल वेरियंट है, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, ठीक है। और ऑटोमेटिक थोड़ा इससे आपको महंगा ही मिलता है।
तो भाई ये दे रखा आपको आप थार का स्टेयरिंग, यहाँ पे नया महिंद्रा का लोगो है इस तरीके से, आपका पोंपो वाला हॉर्न आ जाएगा इसके अंदर। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड आपका क्रूज कंट्रोल है, लेफ्ट हैंड साइड आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल है, इसमें आपका कॉल रिसीव डिक्लाइन म्यूट वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर का कंट्रोल दे रखे हैं, राइट हैंड साइड आपका टर्न इंडिकेटर विद लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। यहाँ पे आपको दे रखा भाई आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये देखो इस तरीके से आप अपना फ्यूल, आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, टायर प्रेशर मोनिटर, वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग वगैरह आप हर चीज़ यहीं से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है हेडलैम्प कंट्रोलर, एसी वेंट्स का सराउंडिंग देखो, पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कार के अंदर टोटल में 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही आपका सपोर्ट कर देता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैनुअली एसी आपको मिलेगा, बाकी इसके अंदर मिलेंगे हजार्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैनुअली गेयरबॉक्स, रिवर्स लगाता हूँ, ये लग गया आपका रिवर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है उसके अंदर अभी लगा हुआ नहीं है, ये देखो रिवर्स असिस्ट इस तरीके से आएगा, सेंसर जो है आपके इस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाएगी आपको अच्छी खासी, फ्रंट के अंदर दोनों पावर विंडो जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, दो कप होल्डर मिल जाएंगे, हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे आर्म रेस्ट का सच कोई आपको इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है, ग्रैब हैंडल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की इस तरीके से मेड इन इंडिया प्राउड के साथ विद प्राइड लिखा हुआ है, ठीक है भाई, बढ़िया गाड़ी है यार कुछ भी कहो। बाकी यहाँ पे आपको IRM दे रखा है जो आपका मैनुअली सेट होगा इस तरीके से, दोनों ही तरफ आपको सनशील्ड के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरफ आपका टिकट होल्डर दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है वैनिटी मिरर, ठीक है, विदाउट लाइट। यहाँ पे आपको रूफ के अंदर LED के अंदर लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन एवरेज जो क्लेम करती है ना पेट्रोल के अंदर कंपनी, इसका ये करती है 8 का तो भाई सोच सकते हो आपकी गाड़ी कितनी चलेगी 57। वैसे यहाँ पर आपको दे रखा है एडजस्टेबल आपका हैंडल है, इसमें आपका टिल्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। वैसे ये गाड़ी जो है ऑफ रोडिंग के लिए यार, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले घुस जाओ गाड़ी को, ठीक है। और पेट्रोल में लोगे तो थोड़ी पावर जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है, टॉर्क वगैरह तो सेम मिलता है, BHP का अंतर है बस, वो भी 20 BHP का। अगर आप उसका डीजल लेते हैं उसमें 130 आती है, और अगर आप उसका पेट्रोल लेते हैं उसमें 150 BHP आती है। ये है इसका पेट्रोल इंजन जो कि है 2000 CC का, ठीक है, मतलब 1997 CC का इसके अंदर इंजन जो है वो आता है। पावर की बात करोगे तो ये पेट्रोल के अंदर आपको 150 BHP निकाल के देता है, प्लस 300 NM का टॉर्क। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं वो उसके अंदर आपको 150 BHP आती है, बस 320 NM टॉर्क हो जाता है। 20 NM टॉर्क इसलिए फालतू क्योंकि ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा जो है पावर रिड्यूस करती है यार, इसीलिए, ठीक है। तो सेम BHP सेम पावर है, चाहे ऑटोमेटिक लो चाहे आप इसका मैनुअली, और आपको एवरेज भी सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 130 BHP मिल जाती है, और 300 NM का टॉर्क जो है वो आपको सेम ही देखने को आता है भाई। गाड़ी अगर आप गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करते हो कि भाई आपको चाहिए हार्ड टॉप प्लस थार का मजा प्लस मैनुअली, ठीक है, और पेट्रोल में लोगों तो मैंने आपको बता दिया भाई, पेट्रोल के अंदर देखो आपका एवरेज तो कम हो जाती है लेकिन लाइफ बढ़ जाती है गाड़ी की, ये आपको 15 साल चलेगी, और डीजल जो है वो चलेगी 10 साल, ठीक है। अगर आप इस वाले वेरियंट की प्राइस की बात करोगे तो 16.5 लाख रुपये आपको ये ऑन रोड के अंदर आ जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो कर देना सब्सक्राइब। वीडियो आप सभी का देखना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।